The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Commerce ePath Shala and make your BCom and MCom dreams come true. Download the app now. Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप लोग काफी अच्छे हैं. आज मैं आपको बताने वाला हूं कि BCom का जो 5th और 6th semester है, मतलब जो BCom के 3rd year के students हैं, उनके exams कब होंगे and notes के regarding कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूंगा. तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी. ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा BCom 5th semester, मतलब BCom 3rd year की मैं बात कर रहा हूं. तो BCom का 5th semester का जो exam schedule है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. आपका जो सबसे पहला एग्जाम होगा वो 8/12/2022 को हो जाएगा. 8/12/2022 को आपका BCOE 141 का एग्जाम होगा, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग. BCOE 143 फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 5th सेमेस्टर का पेपर है, जो कि 12/12/2022 को होगा. BCOS 185 एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि 31/12 को होगा. और BCOG 171 का डेट भी 12 को ही है. और सबकी टाइमिंग 2 से 5 है. तो आपके मन में आएगा कि सर BCOE 143 और BCOG 171 का हमें क्या करना है, क्योंकि दोनों एग्जाम तो एक ही टाइम पे पड़ जा रहा है, तो हम एग्जाम कैसे देंगे? तो ये जो डेट्स अभी यहाँ है ये टेंटेटिव है, इसलिए मैंने इसको रेड करके रखा हुआ है. ये डेट्स चेंज होंगे, जैसे ही चेंज होंगे मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा. बट फिलहाल जो डेट है वो यही है. अभी आपको ध्यान में रखना है, इसको लिख लेना है, BCOE 143 या फिर BCOG 171 का जो पेपर का डेट है वो चेंज होगा या फिर टाइमिंग चेंज होगा. कुछ एक तो बदलाव यहाँ पे होने वाले हैं. ठीक है, डेट्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं. आपको इन सब चीजों का लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैं वहां पे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा. उसी तरीके से बीकॉम का 6th सेमेस्टर जो आखिरी सेमेस्टर है, BCOE 142 13 तारीख को होने वाला है. BCOE 144 9 तारीख को होने वाला है, 9 दिसंबर को होने वाला है, 19 दिसंबर को होने वाला है, सॉरी. BCOS 186 जो कि 7 दिसंबर को ही हो जाएगा. सबसे पहला पेपर जो आप 6th सेमेस्टर में दोगे वो दोगे BCOS 186 7 दिसंबर को. ठीक है, सबकी टाइमिंग 2 से 5 होगी. BCOG 172 इंडियन इकोनॉमी 14 दिसंबर 2022 को ये पेपर हो जाएगा. तो ये टोटल आपके 8 पेपर्स हैं बीकॉम थर्ड ईयर में जो आपको देने हैं. आपको सारे के सारे एग्जाम्स के नोट्स मिल जाएंगे. ये देखो यहाँ पे आपको नोट्स दिख रहे होंगे, है ना, 141, 142, 143, 144, उसके बाद 171, BCOG 171, 172, BCOS 185 और 186. ये सारे के सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है. अगर आपको इन नोट्स को परचेस करना है, आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं. नोट्स आप दो तरीकों से पा सकते हैं, या तो आप हमारे जो हमारा यू नो ऐप है कॉमर्स की पाठशाला, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहां पे उसको खरीद सकते हैं. आपको जो कॉस्टिंग है तकरीबन वो 1500 पड़ेगी, आई गेस, मुझे ठीक से याद नहीं है. 2400 रुपए 300 पर पेपर का नोट्स है, जिसमें भारी भरकम डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस है इंक्लूडिंग कूपन आई गेस आपको 1500 के आसपास पड़ेगा. आप एक बार ऐप डाउनलोड करके चेक कर लो. एंड ऑफलाइन में भी आप अपने मेल पे पा सकते हैं इन नोट्स को. अगर आप मेल पे लेना चाहते हैं, मेल पे लेने से आप उसको प्रिंट आउट भी करा पाएंगे, तो ये एक फैसिलिटी रहेगी. तो आप मेल पे भी ले सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि डाउनलोड आवर ऐप एंड गेट 200 ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज. कोर्सेज की प्राइस अराउंड 1700 के अराउंड है, बट वहाँ पे अगर आप 200 का कूपन लगा देते हैं तो फिर आपको 1500 में आपको 8 पेपर मिल जाएंगे. इसका मतलब हर एक पेपर की कॉस्टिंग लेस देन 200 पड़ने वाली है आपको. ठीक है, तो नॉन कॉमर्स नोट्स अवेलेबल नहीं है, मतलब मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ. सेकंड ईयर में एक पेपर है जो कि नॉन कॉमर्स है. फर्स्ट ईयर में 4 पेपर हैं जो कि नॉन कॉमर्स हैं, उनके नोट्स अवेलेबल नहीं है. थर्ड ईयर के सारे पेपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं. आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इन नोट्स को पा सकते हैं. कॉल या व्हाट्सएप करने का नंबर जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, आप हमें इसी नंबर पे कॉल करेंगे. और यहाँ पे एक और नोटिस मैंने दिया है नोट करके, मतलब बुलेट पॉइंट्स में, कि एग्जाम डेट मे चेंज फॉर द हाइलाइटेड डेट्स. ये जो मैंने ऊपर में डेट्स लिखी है 12 तारीख वाली, है ना, BCOE 143, 171, ये चेंज हो सकता है, इसलिए इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड आपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हेल्प आपको चाहिए, तो आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो मिलते हैं अगले क्लास में. अपना ख्याल रखिए. बाय, थैंक यू.